हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजल और आप देख रहे हो क्रेजीएस और आपका स्वागत है संडे कमेंट बॉक्स के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। बहुत दिनों बाद ऐसा एपिसोड फिर से दोबारा हमने स्टार्ट किया है एक नए अंदाज के साथ। तो हमारे पास आज है 14 कमेंट्स। वेदर है एकदम सुहाना, ऊपर एकदम बादल बरसने ही वाला है। उससे पहले हमें अपना कमेंट का आंसर खत्म करने हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला कमेंट आया है उदय जी के तरफ से, जिनका क्वेश्चन है कौन सा डिफॉल्ट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड डिफॉल्ट कौन सा है। वो कमेंट आया है डीलिंक राउटर का, जो रीसेट का वीडियो मैंने बनाया था। अगर आप राउटर के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर केस में आपको स्मॉल लेटर में एडमिन देखने को मिल जाते हैं, और अगर आपका एडमिन नहीं है तो दूसरा कोई पासवर्ड लिखा रहेगा। और ऐसा नहीं है तो आपको राउटर में पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब उसमें कोई पासवर्ड पहले से सेट है ही नहीं। तो इस केस में आपको राउटर को रीसेट करके फिर दोबारा अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन करके आपको पासवर्ड सेट करना होगा, जो कि ना बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और आप कर सकते हैं। अगर नहीं होते तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका वीडियो आपको बना के बता दूंगा। सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कमेंट के तहत, जहाँ पे कमेंट आया है लाइफ विद 9 के साथ। जो कमेंट है ब्रो, वाईफाई एक्सटेंडर का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, और ये कमेंट आया है चेंज एनी टीपी लिंक राउटर पासवर्ड। तो अगर आप टीपी लिंक का वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ट्विटर ऐप यूज़ कर सकते हैं, वेब वर्जन के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं, और दूसरा कोई ऐप है तो उसमें आप वेब वर्जन का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे राउटर जैसे कि टेंडा लीजिए, डीलिंक का लीजिए। सो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना होगा एक्सटेंडर के, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं पासवर्ड चेंज करने का। तो वहाँ पे नया पासवर्ड आप डाल के सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपका पासवर्ड सिक्योरली चेंज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट के तरफ। जो कमेंट आया है यूजर्स जे यू, जो आप बात भी बाकी है पढ़ लेंगे, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। हेलो ब्रो, आप अपने वीडियो में वॉइस को ठीक करो एंड आप जो बोल रहे हो वो टेक्स्ट में शो करो, जिससे ज़्यादा अच्छे लगेगा, एंड एनिमेशन करवा दो, इसका काम अच्छा लगेगा। तो हमें बहुत ही अच्छी एक कमेंट मिली है, जहाँ पे इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि हमारा वॉइस क्वालिटी आपसे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने रोड का माइक खरीद लिया है भाई, और वीडियो के लिए हमने जो हमारा अभी कैमरा लेके खड़े हैं साधिन जी, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली ऐसा इफेक्ट ऐड कर दीजिए वीडियो में, टेक्स्ट इफेक्ट और एनिमेशन इफेक्ट, जिससे वीडियो और भी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। वैसे इनको बहुत बहुत नमन इतना अच्छा है कमेंट करने के लिए और हमारे सजेशन देने के लिए, धन्यवाद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जहाँ पे हमारा कमेंट आया है आकाश जी के तरफ से, जहाँ पे लिखे है माइंड डीआर 825, और आपका डीआर 825 है वो हम समझ ही रहे हैं, इजंट शोइंग वायर्ड कनेक्शन, इट्स शोइंग ऑटोनोमस और वायर मेस। ओके, तो अगर आपका डीलिंक का डीआईआर 825 राउटर है और इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पहले राउटर को रीसेट कीजिए, और अगर रीसेट करने के बाद भी ऐसा होता है तो आप फार्मवेयर को अपडेट कीजिए। फार्मवेयर अपडेट करने का वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, और नहीं होते तो आप इसका सर्विस सेंटर पर लेके चले जाइए, वहाँ पर जाके ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट किसने किए हैं। नेक्स्ट कमेंट, अच्छा ये जो नेक्स्ट कमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि रिसेंटली 30 जून को हमारा चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ यहाँ पे आ चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक लव, इतना सारा प्यार हमें मिला है जिसका पूरा भरमार आपके सामने आप देख सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा इतना स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने के लिए, थैंक यू All of you and take love once again. So, but the next comment तरफ, जहाँ पे comment है, user सार्थक जी का comment है, सर मैंने Marquesis का router लिया है और उसका recharge कैसे करे, ISP इस पे video बनाओ। Okay, इस पे video बनाओ, no problem, sorry. इसका answer होगा, आप जिसका भी router लो कोई problem नहीं, बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका service provider यानी आपका connection कौन सा है। मतलब मान लीजिए आपने MI का फ़ोन ख़रीदा, आपने Realme का फ़ोन ख़रीदा, आपने Vivo का फ़ोन ख़रीदा, लेकिन आपने उसमें जो सिम डाल के रखे हैं, जियो हो सकते हैं, वोडाफोन हो सकते हैं, दूसरे कोई भी चीज़ें हो सकते हैं जैसे कि एयरटेल हो सकते हैं, तो उसमें आप जैसे रिचार्ज करते हैं वैसे ही सेम चाहिए का है, आपको वहाँ पे फ़ोन नंबर को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, और इस केस में आपको अपना जो यूज़र आईडी है उस आईडी को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर से अपना यूज़र आईडी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आप गूगल पे, पेटीएम
इन सारे वेबसाइट पे जाके ब्रॉडबैंड रिचार्ज पे जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे सर्च करके, मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कमेंट की तरफ। कैन आई स्विच ऑन माई मोबाइल हॉटस्पॉट एंड एक्सेस माई मोबाइल वाईफाई ऑन दिस राउटर? ओनली नीड राउटर टू कनेक्ट इथरनेट केबल्स टू ए माइक्रो कंट्रोलर। आई वांट माई माइक्रो कंट्रोलर आईपी एड्रेस इन द सेम रेंज एज दैट ऑफ माई इंटरनेट। तो इन्होंने बताया कि इनको माइक्रो कंट्रोलर पे अपना वाईफाई का इंटरनेट डालना है जिसमें वाईफाई का एक्सेस नहीं है, लेकिन आप इथरनेट से डालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे जिससे वाईफाई नेटवर्क जनरेट होगी, जिसको आप राउटर के जरिए कनेक्ट करेंगे। राउटर को आपको एज ए वाईफाई एक्सटेंडर यूज करना होगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखे है कैसे वाईफाई एक्सटेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप सेटअप कर लीजिए, करने के बाद आपका वाईफाई राउटर का जो इथरनेट का पोर्ट है आउटपुट, वहां से आप एक केबल को निकाल के माइक्रो कंट्रोलर का जो भी इथरनेट का पोर्ट है वहां पे डाल दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट कमेंट है, फिर से यूजर, इतने यूजर कहां से आ गए भाई, मतलब कोई नाम ही नहीं डालते। इंटरनेट सर्विस वाले 1000 प्राइस लेते हैं, मेरे पैक 240 के है, प्लीज सपोर्ट करना भाई। टिंडा का वाईफाई, एयरटेल, अरे कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट हमें पढ़ते हैं, भाई मेरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस वाले रिचार्ज करते हैं, आप उन रिचार्ज कैसे करें, उसका मोबाइल लिंक है और ईमेल आईडी। हाँ, ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, और दोनों कमेंट एक ही नहीं किए हैं। ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर हम वाईफाई को रिचार्ज करना चाहते हैं खुद से, तो प्रॉब्लम ऐसे ही आ जाता है कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर है, वो हमें यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं देते, ईमेल आईडी भी नहीं देते, जिसका एक्सेस वो अपने पास रखते हैं। इससे प्रॉब्लम यही होता है कि उनको ज़्यादा मुनाफा करने को मिलता है, जैसे कि इनके केस में 1000 रुपीज़ है, जो कि 240 का प्लान को वो लोग 1000 में बेच रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है। तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो देते हैं तो अच्छे हैं, नहीं तो आप अपना जो भी कनेक्शन है, जो भी आपका ऑपरेटर है, उनका हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और उनको सारे प्रॉब्लम बताइए। अगर वो लोग भी सॉल्व नहीं करते तो सारे लोग जो भी बताते हैं, तो आप उनको रिटर्न में मेल कीजिए, ठीक है। वो अगर रिप्लाई नहीं आते तो आप उसका कॉपी लेके कंज्यूमर फोरम पे रिपोर्ट कर दीजिए कंपनी के ऊपर, और देखेंगे कि आपका सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने ही आप खत्म होता चला जाएगा। नेक्स्ट कमेंट आया है, डी लिंक वाईफाई राउटर सेटअप का जो वीडियो है, सर वी वॉन्ट ए वीडियो ऑन हाउ कैन वी चेक दैट हाउ मेनी डिवाइस आर कनेक्टेड विद आवर वाईफाई, आपका वाईफाई से कितने लोग कनेक्टेड है, इसका वीडियो जल्दी आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको डी लिंक, टिप लिंक, टेंडा, 3-4 राउटर का बता दूंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो है वैक्स रोहित जी का। इनका कमेंट है, भाई फोन में डी लिंक राउटर का नेट चलेगा और टीवी में? तो मैं आपको बताया था, फोन का अगर वाईफाई ऑन करेंगे तो वो टीवी में भी कनेक्ट हो सकता है। आप इसे साइड में रखते हैं, जो भी वाईफाई है डी लिंक राउटर का, उसको आप अगर ऑन करेंगे और आपका टीवी में जो भी वाईफाई का सिस्टम है उसे ऑन करेंगे, मतलब आपके टीवी में वाईफाई का सिस्टम होना चाहिए और वो कनेक्ट हो जाएगा और रिचार्ज होना चाहिए, तो आप कुछ भी देख सकते हैं। हमारा चैनल को सर्च करके वीडियो देखना, मस्त लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, आपका वीडियो बहुत अच्छे है, अच्छा था, ओके। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, तो स्विमिंग पूल में आपका बहुत दूर का रेंज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे राउटर होना चाहिए, फ़ोन से तो होगा नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन का वाईफाई ऑन कर सकते हैं, जिसको आप राउटर के ज़रिए एक्सटेंड कर सकते हैं 100 मीटर्स तक। और मेरे ख्याल से स्विमिंग पूल जहाँ पर होगा वहाँ पर फ्री स्पेस होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में 100 मीटर तक का हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर कहा है कि 10 मीटर तक का होता है मोबाइल हॉटस्पॉट में, और आपको रेंज कितना चाहिए वो तो पता नहीं, 100 मीटर्स तक शायद हो जाएगा, और आपको फिर भी नहीं मिलते तो आप एक दूसरा राउटर यूज़ कर सकते हैं जिससे आप और भी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब एक फ़ोन के वाईफाई से आप राउटर में, और राउटर से आप दूसरे राउटर में, या फिर आपने जैसे ही कहा आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो आप फ़ोन को छोड़ दीजिए, अब बस राउटर से नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिए और एक दूसरा राउटर लगा दीजिए जिससे उस नेटवर्क को एक्सटेंड कर दीजिए ना, इससे आपको एक सिंगल नेटवर्क मिल जाएगा। बस आपको अपने राउटर को एज ए वाईफाई एक्सटेंडर सेटअप करना होगा, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो वो जाके देख लीजिए और आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नेटवर्क की ज़रूरत है, वही वायरलेस वाले, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कमेंट है, माई क्वेश्चन इज, विच आई पी इज़ द बेस्ट, PPE और स्टैटिक आई पी? जो क्रिकेट BD ने कमेंट किया है,
मैं पहले बता दूं, आपने कमेंट ही गलत किया, वो होगा PPPoE। हाँ तो इसका आंसर होगा स्टैटिक आईपी, नॉट PPPoE। स्टैटिक आईपी लेने हैं आपको, वो बेस्ट होता है, उसका बैंडविड्थ आपको ज़्यादा मिलते हैं और इसका प्राइस भी ज़्यादा है, ये याद रखिए। नेक्स्ट कमेंट आया है अमन जी की तरफ से, जहाँ पे लिखे है भाई लैपटॉप में लैन केबल कनेक्ट करने का कोई स्लॉट ही नहीं दिए, फिर कैसे करे। आपने कमेंट किया है सेटअप टिपलिंक राउटर का जो वीडियो, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, राउटर सेटअप करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत है ही नहीं। टिपलिंक का अगर आप चाहते हैं तो आप फोन से कर सकते हैं, डीलिंक का और दूसरा राउटर भी कर सकते हैं। आपको उनका आईपी को फॉलो करना होगा, ये जो आईपी आपको दिख रहा है, तो इस आईपी को फॉलो करना होगा, सबका डिफॉल्ट आईपी होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके लिखिए कि राउटर लॉगिन पेज स्पेस आपका राउटर का कंपनी का नाम, और आपको आईपी सारे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप सेटअप कर सकते हैं अपने फ़ोन से भी। फ़ोन से वेब वर्जन का गूगल क्रोम पे ऑन कर लीजिए और हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम है कि आप लैपटॉप में ही कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप अभी आ रहे हैं नोटबुक सीरीज़ के अभी के लिए जहाँ पे लैन पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, RJ45 to Type-C या फिर टाइप ए कनेक्टर जो भी कन्वर्टर होते हैं वो आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। मैं एक गुड क्वालिटी का डाल दूंगा जिससे आपको स्पीड भी अच्छी खासी मिलेगी और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता नहीं कि आपका कनेक्शन का इशू है या फिर आप सेटअप करना चाहते हैं, सेटअप करने तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जहाँ पे बताया गया है ऑपरेटर क्या होते हैं भाई और हमें कैसे पता चल लगेगा हमारा ऑपरेटर क्या है। तो इसका आंसर है ऑपरेटर वो होते हैं जो लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं थ्रू टावर। वहाँ पर टावर आपको दिख रहा है, हाँ, और हमारे घर में जो इंटरनेट चलते हैं कंप्यूटर में, वो हम यहाँ पे RJ45 पोर्ट में लगा के चलाते हैं या फिर वाईफाई से चलाते हैं, तो उसका ऑपरेटर दूसरा होते हैं। अभी जियो फाइबर भी आ रहे हैं तो जियो हो गया एक ऑपरेटर, अभी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर भी आ रहा है तो एयरटेल हो गया एक, सिटी केबल एक ऑपरेटर, मेक बेटर डिजिटल एक ऑपरेटर होते हैं। मतलब जो कंपनी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं ऑपरेटर। आपको कैसे पता चलेगा, अगर जियो फाइबर है तो आपको जियो फाइबर का सेटअप बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा, एयरटेल का होगा तो एयरटेल का लिखा रहेगा, और आपका दूसरा कोई है जिनका बेनामी है, मतलब मनाम ही नहीं है, तो आप जिनसे कनेक्शन लिए उनसे पूछ लिए, वो लोग बता देंगे। सो हमारे सारे कमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संडे तो कमेंट बॉक्स आएगा जरूर। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रेजी आस्क।